दोस्तों एक कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों ये कहावत सटीक नहीं बैठती, क्योंकि बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन, फिर चाहे वो बात करें भारत की या दुनिया की, तो वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने खेल में प्रदर्शन करते हुए दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। पर क्या आपको पता है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बल्लेबाज गेंदबाज कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जानकर चौंक जाएंगे आप दोस्तों। तो आज हम पांच ऐसे खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जो वर्तमान समय में भारत के लिए खेल रहे हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं। यकीन मानिए दोस्तों आप सुनकर दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पहले खिलाड़ी की बात करो दोस्तों, तो अगले भारत के सुपरस्टार माने जाने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून में ग्रहण की और ये बीकॉम ग्रेजुएट हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि ऋषभ पंत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कंप्लीट किए हुए हैं। वहीं अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करूं तो वो हैं भारत के हरफ नमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। इनकी बल्लेबाजी की तो दुनिया कायल है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं? तो आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गुजरात के जामनगर से पूरी की और ये खेल में जितने निपुण हैं उतनी पढ़ाई में निपुण नहीं थे दोस्तों। आपको बता दूं कि ये जैसे तैसे करके इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की और 9वीं पास करने के बाद ही क्रिकेट में लग गए, और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई करना सही नहीं समझा। तो हार्दिक पांड्या 9वीं पास है दोस्तों। वहीं अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करूं तो वर्तमान समय में दुनिया के विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक KL राहुल, तो वो दोस्तों भारतीय टीम में सबसे पढ़े लिखे खिलाड़ियों में से एक है। आपको बता दूं कि उन्होंने JEE की परीक्षा 1726 रैंक के साथ क्वालिफिकेशन किया था और वो IIT के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, लेकिन क्रिकेट का ध्यान उससे ना हटे इसलिए उन्होंने IIT को छोड़ दिया और भारत के अभी सफलतम बल्लेबाजों में से एक है। वहीं अगर चौथे खिलाड़ी की बात करूं तो भारत के लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, ये भी वर्तमान समय में भारतीय टीम में पढ़े लिखे खिलाड़ियों में से एक है। आपको बता दूं कि इन्होंने BTech कर रखा है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय खिलाड़ियों की बात हो रही है तो कप्तान कैसे पीछे रह सकते हैं? अगर कप्तान की बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली से ही ग्रहण की और आपको बता दूं कि वे 12th पास हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई 12वीं के बाद ही पूरा ध्यान अपना क्रिकेट में लगाया और आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। वो 12th के बाद पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए, उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पे ही रहा। तो ये थे दोस्तों पांच खिलाड़ी जो वर्तमान समय में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। तो कितने पढ़े लिखे हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैंने आपको बताया। वही कई अगर पूर्व खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन 10वीं भी पास नहीं है दोस्तों। वहीं धोनी की बात करूं तो धोनी 12वीं पास तो किए थे लेकिन बीकॉम अधूरा ही छोड़ दिया था उन्होंने। वहीं राहुल द्रविड़ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं MBA में। वहीं भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी ग्रेजुएट हैं। तो ये थे दोस्तों भारत के खिलाड़ी और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस बात से तो ये तो कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि जो शुरुआत में मैंने कहावत कही थी वो लगभग सत्य नहीं है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब।